सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शादी कर लिया है और दोनों अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं। लेकिन अब एक फैन पेज का दावा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं बल्कि कियारा आडवाणी के दिल के राजकुमार मनीष मल्होत्रा थे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मनीष को कियारा आडवाणी डेट कर रही थी और उनसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन बात बन नहीं पाई तो फिर उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को फंसाने का सोचा। ऐसी खबरें रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि फिर इस बात के लिए, यानी कि कियारा सिद्धार्थ को अपना लाइफ पार्टनर बना लें, इसके लिए मनीष ने ही उन्हें कन्विंस किया था और मनीष और करण जौहर ने मिलकर के कियारा की मदद भी की थी। और तो और कहा तो ये भी जा रहा है कि कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा पर ब्लैक मैजिक भी करती हैं ताकि सिद्धार्थ मल्होत्रा उनकी बातों को सुन सकें, वो उनकी बातें मान सकें। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में, दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी करने के लिए उन्होंने कई तरह के ब्लैक मैजिक किया था, उन्हें ब्लैकमेल भी किया था। और तो और अब इसी फैन क्लब ने यह भी दावा किया है कि सिद्धार्थ के एक फैन के साथ में बहुत बड़ी ठगी हो गई है। जी हाँ, 50 लाख रुपए की ठगी हो गई है। ऐसे में पुलिस अब मामले की तहकीकात भी कर रही है। वहीं फैंस अब कियारा से भी असल सच्चाई की उम्मीद कर रहे हैं और वहीं चाहते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस पर सामने आकर कुछ रिएक्शन दे।